दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है वशीकरण के हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा मंत्र जो आपको सिर्फ 11 बार लिखना है, और इस मंत्र को 11 बार लिखते ही वो व्यक्ति, वो महिला या आपकी पड़ोसन या आप जिस भी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, वो प्रेमिका अगर आपकी जिंदगी से दूर चली गई है तो वो प्रेमिका आपकी तरफ भागी चली आएगी और तुरंत आपके वश में होगी और आपसे बे इंतहा प्यार करने लग जाएगी। तो दोस्तों आइए आपको बताती हूँ ये मंत्र क्या है जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार लिखना है और आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आप एक कागज ले लीजिए, उस कागज पर आपको ये मंत्र 11 बार लिखना है। इस हिसाब से इस कागज को ले लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि ये मंत्र क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक कागज लेना है, उस पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उसके नीचे से आपको लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ओम नमो आदेश गुरु का, मोहिनी कहाँ चली, अमुक गुरु की भक्ति मेरे पैर पे आके गिरे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आपको इस मंत्र का इस तरह से कागज पर लिखना है। फिर उसके बाद इसी को आपको दोबारा लिखना है। तो एक तरफ आप इसे लिख लीजिए और उसके बाद कागज को पलट कर आप उसके पीछे भी लिख सकते हैं, या फिर आप बड़ा कागज ले लीजिए और इस तरह से आप इसे 11 बार इस मंत्र को आपको लिखना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अमुक शब्द लिखा है यहाँ पर आपको अपनी उस प्रेमिका का नाम लिखना होगा। तो मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का, मोहिनी कहाँ चली, अमुक गुरु की भक्ति मेरे पैर पे आके गिरे। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए इस मंत्र को, इसी मंत्र को आपको 11 बार लिखना होगा एक कागज के ऊपर, और इस बात का ध्यान देना होगा कि आप बिल्कुल सच्चे मन से, पवित्र मन से इसे कीजिए। आप किसी भी दिन इसे कर सकते हैं, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसे रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको इसे करना है, और उसके बाद आपको इस कागज को अच्छे से फोल्ड करना है। इसकी जितना छोटा आप इस कागज को कर सकते हैं इसे आपको करना है, और दोस्तों आपको इसे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। इस कागज को तकिए के नीचे रख के सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको इस कागज को जला देना है। जी हाँ दोस्तों, इस कागज को आपको भगवान का नाम लेते हुए और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, आप इस कागज को जला दीजिए। इस कागज के जलते ही वो लड़की आपके वश में होगी। जी हाँ, आप इसे घर के अंदर ही जलाइएगा, आपको बाहर नहीं जाना है इसको जलाने के लिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि कागज बिल्कुल अच्छे से जल जाए, मतलब ये बचना नहीं चाहिए इसका कोई भी हिस्सा, ये कागज पूरी तरह से जल जाए, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसे खोल कर भी जला सकते हैं जिससे कि ये पूरी तरह से कागज जल जाए। ये जिस समय दोस्तों कागज जल रहा होगा उस समय भी आपको उसी व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जैसे ही ये कागज पूरा जल जाए तो इसकी जो राख होगी उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है अंत में, तब जाके आपका ये वशीकरण पूरा हो जाएगा और वो व्यक्ति आपके वश से कहीं नहीं जा पाएगा, हमेशा के लिए आपके प्यार में पड़ जाएगा और उसे आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाएगा। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये कागज जल रहा हो तो इसे अच्छे से पूरा आपको जला देना है जिससे कि ये राख बन जाए और इसमें कागज वाला हिस्सा बिल्कुल ना बचे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से राख बन चुका है। अब आपको इस राख को ले लेना है और एक पुड़िया बना लेना है। दोस्तों कागज आपको लेना है, एक कागज ले लीजिए और उसके बाद आपको ये राख जो है आप ध्यान दीजिएगा कि ठंडी हो जाए, उसके बाद आप इसे कागज में निकाल लीजिए और इसकी एक छोटी पुड़िया बना लीजिए, और आपको इसे ऐसी जगह पे रखना है दोस्तों जहां पर कि कोई भी इसे देखने ना पाए। इस पुड़िया को आपको एक ऐसी जगह पर रख देना है अपने घर में ही जहां पर इसे कोई ना देखने पाए। आप देखेंगे कि जैसे ही आपका वशीकरण पूरा होगा वो व्यक्ति, वो महिला आपकी तरफ दौड़ी चली आएगी, आपके पास उसका कॉल आएगा, वो स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो उठेगी और आपको पता चल जाएगा कि वशीकरण पूरा हो चुका है। तो कोई भी सवाल हो आपका इस विधि को करते समय हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि उसको आप किस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको 100% इसका फल जरूर मिले। तो दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।